आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। क्वेश्चन इज, अ लॉन्ग सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट डीसी सोर्स पासिस अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर। व्हेन द सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, द करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सो यहाँ पे बोला गया है, जब सोलेनॉइड डीसी सोर्स को कनेक्ट किया गया था 12 वोल्ट के, तब उसमें से 2 एम्पियर स्टेडी करंट फ्लो हो रहा था। जब वो एसी करंट, एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट से कनेक्ट किया गया एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को, तो उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, तो उसका इंडक्टेंस जो होगा सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड का, वो कितना होगा। ओके, सो सोलेनॉइड जो है वो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है बिकॉज ऑफ वायर। सो डीसी में सोलेनॉइड जो है वो कुछ रिएक्टेंस ऑफर नहीं करता है आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड, बट बिगिनिंग में वो थोड़ा रिएक्टेंस जो है फ्यू मिली सेकेंड्स तक ऑफर करता है। तो इसमें हम बताएंगे कि इन डीसी करंट जो होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ओके, सो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कितना है 12 वोल्ट का, सो 12 डिवाइड बाय करंट कितना था 2 एम्पियर, तब रेजिस्टेंस कितना होगा इन डीसी में 6 ओम, इतना रेजिस्टेंस होगा। ओके, बट इन एसी द रिएक्टेंस विल ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर, राइट। सो यहाँ पे जो करंट होगा वो कैसे हम लिखेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट रिएक्टेंस मीन्स आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे जब एसी में एसी को कनेक्ट किया गया तब करंट 1 एम्पियर फ्लो हुआ, जब वोल्टेज 12 वोल्ट था एंड रेजिस्टेंस तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 6 ओम था। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करंट कितना है 1 एम्पियर है, करंट इज 1 एम्पियर विच इज़ इक्वल्स टू वोल्टेज इज 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 हर्ट्स है, मतलब 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ एल स्क्वायर होता है इसका इक्वेशन। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 वैल्यू है तो इट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ की वैल्यू 50 है, तो 2 इंटू 50 मीन्स 100 पाई हो जाएंगे, 100 पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम ये सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 12 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 10,000 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। सो यहाँ पे आंसर जो होगा एल स्क्वायर का, देन एल विल बी 33 मिली हेनरी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ दैट गिवन सोलेनॉइड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।